फाइनली गाइस अभी मैं गोवर्धन मंदिर आ चुका हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं गोवर्धन मंदिर का काफी अच्छा सीन है। साउथ के हमारे जो टेंपल कारीगर होते हैं, साउथ के कारीगर लोग यहाँ मंदिर को बनाए हैं। तो पकड़ ले जलेबी बनाने वाला राजस्थान के साथ नाम है। बहुत टेस्टी चाट है बाबा बंगाल। फाइनली गाइस अभी मैं नवादा पहुंच चुका हूं और अभी मैं आप लोगों को गोवर्धन मंदिर का पूरा व्यू दिखाने वाला हूं। इससे तो यहां पे महायज्ञ हो रहा है दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। तो अभी मैं गोवर्धन मंदिर पहुंच गया हूं दोस्तों, स्टेडियम के बगल में हूं और यहीं पे बगल में हरिश्चंद्र स्टेडियम है। तो अभी मैं जा रहा हूं गोवर्धन मंदिर दोस्तों और वहां जाके मैं आप लोगों को पूरा व्यू दिखाने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। मंदिर जा रहा हूं और यहां पे काफी ज्यादा क्राउड है और मेरे बगल में हरिश्चंद्र स्टेडियम, ठीक है, और हरिश्चंद्र स्टेडियम के बगल में ही है गोवर्धन मंदिर। तो यहां पे लाउड स्पीकर लगा हुआ है इसलिए साउंड ज्यादा नहीं आ रहा होगा, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं गोवर्धन मंदिर, जो कि अभी काफ़ी चर्चे में है और ट्रेंडिंग में है। दक्षिण बिहार का ये सबसे महंगा मंदिर बना हुआ है दोस्तों। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने मंजिल की ओर बढ़ रहा हूँ और फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ हरिश्चंद्र स्टेडियम के एंट्री गेट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हरिश्चंद्र स्टेडियम का एंट्री गेट है और इससे ही कुछ दूर पर बना है जो है गोवर्धन मंदिर। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों के साथ गोवर्धन मंदिर के वीडियो को एंजॉय करते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जब मैं ब्लॉग बना रहा था तो यहाँ पे एक भाई मिल गए जो कि बैलून बेच रहे हैं। चलिए चलते हैं, अभी मैं गोवर्धन मंदिर पहुंचने वाला हूं और यहां पे अभी भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। साढ़े दस बज गया दोस्तों और 10:30 बजे भी यहां पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। अभी मैं एकदम नज़दीक हूं गोवर्धन मंदिर के और बस समझिए पहुंच गया, मेरे आगे गोवर्धन मंदिर नज़र आ रहा है। अभी मैं गोवर्धन मंदिर के गेट पे पहुंच चुका हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं गोवर्धन मंदिर का गेट है और यहां पे लिखा हुआ है गोवर्धन मंदिर नवादा। बाहर से ही ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में, तो अंदर जाके मैं आप लोगों के साथ मंदिर का व्यू शेयर करूंगा तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। ये एंट्री गेट है लेफ्ट साइड का और अभी मैं जाने वाला हूँ राइट साइड, वहाँ पे वहाँ से मैं एंट्री करूँगा और यहाँ से निकलूँगा, ठीक है। अभी मैं गोवर्धन मंदिर के पास पहुँचा था तो यहाँ पे मेरे साथ दो भाई मिल गए, तो इन्होंने बोला मुझे भी वीडियो में आना है, तो बोले चलो सही है, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं। क्या नाम होगा? अंकित। अंकित आपका? नीतीश। नीतीश, लग रहा आप लोग को बड़ा मजा आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर, पूरा वीडियो देखिए। सो फाइनली गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ नवादा गोवर्धन मंदिर में और यहाँ पे जब आप आएंगे तो पीछे इसके हरिश्चंद्र स्टेडियम मिलेगा और उसी के बगल में ये आपको गोवर्धन मंदिर मिलेगा दोस्तों। तो अभी मैं इसके एंट्री गेट पे हूँ, यहाँ से एंट्री करूँगा, चलते हैं अंदर और गोवर्धन मंदिर को एक्सप्लोर करेंगे। फाइनली गाइस अभी मैं
मैं गोवर्धन मंदिर में इंटर कर चुका हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो महायज्ञ हो रहा है वो मेरे पीछे जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि काफी सुंदर लग रहा है, ठीक है। और ये गोवर्धन मंदिर काफी दिनों से बन रहा था दोस्तों, और बहुत दिनों के बाद कम्प्लीट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों जो वो वाला कुंड है जहाँ पे महायज्ञ हो रहा था, और अभी मैं गोवर्धन मंदिर को एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। फाइनली गाइस अभी मैं गोवर्धन मंदिर नवादा आ चुका हूँ, और मेरे साथ एक अंकल जुड़ चुके हैं जो कि यहीं के हैं। मैं कुछ जानकारी लूंगा दोस्तों और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये मंदिर कब से बन रहा है अंकल? 2016 से। तो 2016 से ये मंदिर बन रहा है दोस्तों, अभी हो चुका है 2023। और ये जो मंदिर बनाया गया है ये काफी मिलता जुलता लग रहा है कोई और मंदिर से। ये हमारे साउथ का दक्षिणी मंदिर के उदाहरण के रूप में यहाँ बनाए। दक्षिणी तो साउथ के हमारे जो टेम्पल कारीगर होते हैं, साउथ के कारीगर लोग यहाँ मंदिर को बनाए हैं। जो हमारे पूर्व राज्य मंत्री जो हमारे यहाँ के थे राजबल्लभ प्रसाद यादव, उनके सौजन्य से बनाया गया ये मंदिर। ये जो मंदिर है दोस्तों ये साउथ काफी मिलता जुलता लगता है, और ये जो मंदिर है मतलब साउथ मंदिर के तर्ज पे ये बनाया गया दोस्तों। ये अंकल यहीं के रहने वाले हैं, इनसे मैंने आप लोगों को कुछ जानकारी बताया, शेयर किया। और ये यहाँ कब से यज्ञ स्टार्ट हुआ? यह 27 तारीख से स्टार्ट हुआ है। मेरा नाम प्रिंस यादव हुआ, मैं यहीं के रहने वाला। 27 से स्टार्ट हुआ दोस्तों, और लास्ट कब है अंकल? 4 तारीख। 4 को है। तो थैंक यू वीडियो में कुछ जानकारी देने के लिए, थैंक यू अंकल। सो फाइनली गाइस अभी मैं गोवर्धन मंदिर आ चुका हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं गोवर्धन मंदिर का काफी अच्छा सीन है, और यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा व्यू आ रहा है। ये जो मंदिर है दोस्तों काफी सुंदर देखने में लग रहा है। यहाँ पे रात का जो लाइटनिंग होता है वो काफी और ज्यादा अमेजिंग लगता है देखने में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आया था वीडियो शूट करने के लिए दोस्तों, तो वीडियो शूट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। और ये मंदिर काफी ज्यादा खूबसूरत बनाया गया दोस्तों, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। जब यहाँ पे आप आइएगा तभी आपको वो चीज फील होगा। और ये जो मंदिर है देखने में काफी अच्छा लगता है, और काफी लंबे चौड़े प्लेस में ये वाला मंदिर फैला हुआ है। तो ये गोवर्धन मंदिर कृष्ण भगवान का मंदिर है दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ हो रहा है यहाँ पे। 27 को स्टार्ट हुआ था, और कल लास्ट मतलब 4 फरवरी को लास्ट है, 27 से स्टार्ट हुआ था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन फोन में प्रेस कर दीजिएगा। गोवर्धन मंदिर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो फाइनली गाइस अभी मैं गोवर्धन मंदिर से निकल चुका हूँ, गोवर्धन मंदिर को पूरा एक्सप्लोर करके मैंने आप लोगों को दिखाया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन फोन में प्रेस कर दीजिएगा। तो अभी मैं निकल चुका हूँ, जा रहा हूँ, कुछ खाऊंगा। हम भी आए हैं, बोलिए एक बार प्रेम से हर हर महादेव, जय श्री राम। तो यहाँ पे हम रास्ते में चलते हुए बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो कि वीडियो में आना चाहते हैं, और मैं उनको ले लेता हूँ, इग्नोर नहीं करता हूँ। तो गोवर्धन मंदिर को एक्सप्लोर करके मैंने आप लोगों को दिखाई दिया, तो अब चलते हैं, कुछ खाते हैं, और उसको भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो अभी मैं गोवर्धन मंदिर से निकल रहा था दोस्तों, तो यहाँ पे मेरे साथ कुछ भाई मिल गए जो कि कुछ खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? आलू का चाट खा रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फूड ब्लॉगर बनो बॉस, फूड ब्लॉगर भी आई है, बनारस का फूड ब्लॉग आया है। लोकल है यहाँ पे? हाँ जी सर, बिल्कुल लोकल। कब से हो रहा है ये? पिछले 5 दिन से। कब लास्ट कब है? 4 को। आज 3 तो हो ही गया, मतलब कल लास्ट परसों आज तो है ना। और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, मेला का आनंद लीजिए, आइए घूमिए। तो मतलब 4-5 दिन से नवादा पूरा एकदम जगमगा रहा है, कोई चीज का कमी नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर कभी। वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे रास्ते में चलते फिर मिल गया।
अभी मैं आ चुका हूँ हरिश्चंद्र स्टेडियम नवादा, और वहाँ जो गोवर्धन मंदिर का उद्घाटन हुआ और वहाँ पे जो गोवर्धन मंदिर बना उसका प्रोग्राम यहीं पे हो रहा है। मेरे पीछे लगा हुआ है टेंट, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये हरिश्चंद्र स्टेडियम का कुछ इस टाइप का सीन है। तो यहीं पे प्रोग्राम हो रहा है और जो LCD आपको देखने को मिल रहा होगा उसमें लाइव चल रहा है और अंदर प्रोग्राम हो रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। कैसा लग रहा गोली जी? बहुत टेस्टी चाट है। बाबा बंगाल टाइगर फास्ट फूड आइए और बरसत पे जाइए। समोसा चाट भंडार बहुत ही अच्छी है, छोला तो बहुत जबरदस्त, मटेरियल तो और भी अच्छा है इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये लोग चाट खा रहा है। अभी मंदिर से निकलने के बाद ये लोगों को भूख लगी है तो ये चाट खा रहा है। गोलू देखिए कैसे खा रहा है। तो ये जो ठेला का नाम है वो नाम है बाबा बंगाल टाइगर, तो नाम ही इसका यूनिक है एकदम। तो इसको टेस्ट करते हैं कैसा लग रहा है। देखने में तो बिल्कुल बेकार लग रहा है, खाने में देखते हैं कैसा लगता है। तभी मैं चाट खा के आ गया और यहाँ पे जलेबी बन रहा है, तो जलेबी बनने का ऑर्डर दिए हैं, तो यहाँ पे बनेगा और हम लोग खाएंगे। तो जलेबी को बनने देते हैं, उसके बाद यहाँ इसको खाते हैं, इसका टेस्ट आप लोगों के साथ शेयर। पैसा पे करेगा ले, फिर यहाँ से निकलते हैं। तो पकड़ ले वो जलेबी। भाई ब्लॉग का अपना चैनल दे दो मोबाइल में। फाइनली गाइस मंदिर से निकलने के बाद हम लोगों ने गया वहाँ पे चाट खाया, स्टेडियम साइड घूमा, थोड़ा मार्केट पे बैठा और अभी हम लोगों ने जलेबी को खरीदा और उसको खा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है बताओ? जलेबी बनाने वाला राजस्थान के था, ऐसा जो कैटेगरी है मटेरियल है उसने बोला कि सब अच्छा है। इसका नाम है क्या नाम? गरम जलेबी, बहुत टेस्टी है। आप कुछ बोलिए। ये बहुत शानदार मेला है नवादा का सुप्रसिद्ध सबसे बड़ा मंदिर, और बिहार का ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ ऐसा मंदिर हो। पहला ऐसा मंदिर है पूरे बिहार में बना हुआ। माननीय मंत्री श्री राजवल्लभ प्रसाद यादव जी के द्वारा ऐसा स्थापित किया गया है। हम लोगों को भी गर्व होगा कि नवादा में भी एक ऐसा मंदिर बना है जहाँ पे टूरिस्ट आके विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे मंदिर लग जाता है, ये देखने लायक मंदिर है। यहाँ से जाएंगे आप लोगों ने प्रेम मंदिर देखा होगा दोस्तों, इसी टाइप का। और ये जो मंदिर तट पर बना हुआ है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों गोवर्धन मंदिर, और यहाँ से अभी मैं जा रहा हूँ, इसका गेट लॉक हो चुका है। मेरा माइक वाला जो विंडशील्ड होता है उसको मैंने निकाल दिया, क्योंकि अल्ट्रा वाइड में जब शूट कर रहे थे तो बार बार उसमें आ जाता था, वो काफी सॉफ्ट है। तो मंदिर का गेट तो लॉक हो चुका है दोस्तों, और अभी मैं इसके साइड से उधर मार्केट था तो वहाँ पे मैं गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट होने के बाद भी यहाँ पे काफी लोग अंदर जाने का ट्राई कर रहे हैं। फिर से स्टार्ट स्टेडियम में प्रोग्राम हो रहा है, मतलब जो कथा चल रहा है वो स्टेडियम में चल रहा है, और स्टेडियम के बगल में ही ये वाला मंदिर है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अभी सोते हैं और कल सवेरे उठते हैं और फिर निकलते हैं घर।